हेलो फैमिली, वापस आ चुके हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो इस सीरीज़ का जो एपिसोड है वो अब धीरे धीरे वीकली करके निकलेगा, तो जैसे जैसे रिलीज होगा वैसे वैसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूज होता है वहाँ पे सिटी लॉर्ड के पास चला जाता है और सिटी लॉर्ड बोलता है कि हम लोग को ज्वाइन कर लो। जितने भी बंदे वहाँ पे होते वो लोग बोल रहे थे ज्वाइन कर लो, हम लोग को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे जो मिस होती है बोलती है कि यू यहाँ पे चल क्या रहा है, ये लोग कुछ वियर्ड लग रहे हैं। ये बोलते हैं तुम्हें इन सब के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, इस बंदे ने इन लोग सारे लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया है। साथ ही वो अपना एनर्जी को रिलीज करता, बोलता है हिट दे, और उसकी एनर्जी जिस बंदे को हिट करती है वो सब जो होते उसके जाल से बाहर निकल जाता और दूर फेंके जाते हैं। जो सिटी लॉर्ड होता है वहाँ पे बोलता है वाह तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जैसा कि मैंने र्यूमर में सुना था। ये बोलता है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि हम लोग तुम्हें ज्वाइन कर लेंगे, तुम्हारा जो सेक्टर है उसका तो कोई नाम भी नहीं है, तो हम लोग तुम्हारे बिना नाम वाले सेक्टर को क्यों ज्वाइन करेंगे। वो बंदा हंसते हुए बोलता है तुमसे किसने कह दिया कि हमारे सेक्टर का कोई नाम नहीं है, हमारे सेक्टर पूरे के पूरे वांगलोंग कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है। हमारे सेक्टर का नाम हेवन स्पिरिट सेक्टर है और जो कि पूरी की पूरी दुनिया पर राज करने वाली है। और एक बार अगर तुमने हमारे सेक्टर को ज्वाइन कर लिया तो तुम्हारे पास वेल्थ होगा, फेम होगा, स्ट्रेंथ होगा, वेमन होगी, जो तुम्हें चाहिए सब कुछ हमारा लीडर जो तुम्हें प्रोवाइड कर देगा। ये बोलते हैं अगर मैं तुम्हारे डॉटर से भी शादी करना चाहूँगा तो क्या तुम्हारा जो लीडर है वो मुझे शादी करने दे देगा। बोलते हैं कि हाँ ये तो बस एक छोटा सा सेक्रीफाइस होगा, हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। ये बोलते हैं तुम्हारा डॉक्टर ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा सैड फील कर रही होगी क्योंकि मिस लू जो है वो दिखने में तुमसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा काइंड और अच्छी लड़की लगती है। मुझे नहीं लगता था कि तुम उसका बाप ऐसा होगा। मिस सू बोलती कि वाह मुझे याद था कि वो लड़की तो भैया ना जैसे कि मैंने उस दिन फाइट की थी वो इसकी डॉटर है। वो बंदा बोलता कि वाह ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि तुम मेरी डॉटर से मिल चुके हो, क्यों ना तुम मेरी डॉटर से शादी कर लो तो और मेरे जो सेक्टर है उसको ज्वाइन कर लो। ये बोलता कि वेल दो मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी यानी मिस लू से शादी कर लूँ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है, लेकिन मैं किसी और को लाइक करता हूँ। ये सुनने के बाद मिस लू का जो चेहरा होता लाल हो जाता क्योंकि वो सोचती है कि यू ने उसकी बात की होती। साथ ही वो चिल्ला के आगे तरफ आती बोलती हाँ यू है उसने मेरी बॉडी को मेरे पूरे बॉडी को देखा है तो वो मेरे से छोड़ा के किसी और की डॉटर से शादी नहीं कर सकते। साथ ही वो सामने आ जाती है, वो बंदा जो होता है अपनी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और बोलता है जो कि तुमने मेरे ऑफर को रिफ्यूज़ कर दिया तो यहाँ पे जो तुम लोग के साथ होने वाला है उसकी जिम्मेदारी अब मेरी नहीं होगी। मिस सू जो होते उसको चिढ़ाते हुए बोलते कि मुझे इन सबसे क्या फ़र्क, मैं तुम्हारा किसी भी मसले में पड़ना नहीं चाहती और वैसे भी चूँकि अब तुमने ऐसा कुछ कर दिया ऐसा कुछ जो बुरा काम किया है तो अब तुम्हारी पूरी जिंदगी वो जेल में जाने वाले है। वो बंदा अपनी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देता, बोलता है कि अगर तुमने और ऐसा कुछ अब एक से कहा तो तुम्हारे साथ क्या होगा वो देख ले, चुपचाप जाओ वहीं रहे हो और पढ़ने के लिए रेडी हो जाओ। नेक्स्ट दिन हम लोग को उस जो मैंसन एरिया होता है उसके बाहर का सीन दिखाते हैं, गाँव के बाहर का सीन दिखाते हैं। एक बंदा होता बोलता है वहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा लाइट है, ये तो लू मैंसन से आ रही है। उसके बगल में एक और लड़की होती बोलती है हाँ ये मुझे लगता है कि लू जो है उसने फाइनली अपना जो प्लान था उसको रिवील कर दिया और हम लोग इस बार उसको हरा सकते हैं, हम लोग को जल्दी जल्दी वहाँ जाना होगा। वो बंदा और कोई नहीं पांचों हीरो में से एक हीरो होता है, टॉप वन का हीरो होता है जिसका नाम गार्ड सीडू होता है। सीडू जो होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पे आ गया, जब जैसे मुझे तुम्हारा मैसेज मिला मैं यहाँ पे तो भागा भागा आ गया। क्या तुम्हारे पास जितने भी क्रिमिनल का एविडेंस था जो तुमने कि मुझे बताया था वो है? बोलते कि हाँ वो सब मेरे पास है, वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? साथ ही वो जितने भी एविडेंस होता अपने हाथ में सामने कर लेती है। वापस अपने गाँव का सीन दिखाते वो जो बंदा होता अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने एनर्जी से एक स्वॉर्ड बनाता है और यू के पीछे वो लड़की जो जाके छुप जाती है, बोलती है तो काफ़ी फाइटिंग स्पिरिट है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ फाइटिंग स्पिरिट है जिसको मैंने अभी तक देखा है। यूज होता है मिस सू से बोलते अच्छा अगर ऐसी बात मैं तुम्हें सिखा भी दूँ तो मुझे नहीं लगता कि तुम इतने हाई लेवल के स्पिरिट को फाइटिंग स्पिरिट को रिलीज कर सकोगी। साथ ही वो बंदा जो होता है अपने स्पिरिट को सामने की तरफ भेजता है और वो सारा का सारा जो स्पिरिट होता है फाइटिंग स्पिरिट वो आगे की तरफ जाता है और यू और मिस सू को क्रश करते हुए पूरे एरिया को तबाह कर देता है। उसके बाद वो बंदा वहाँ पर खड़ा होता है, हंसते हुए बोलता है कि मैं मानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थे और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन चूंकि अब तुम यहाँ पे मर चुके हो तो अब जाओ अंडरवर्ल्ड में और वहाँ पे अपने टैलेंट को दिखाओ और वहाँ पे जो कहना है जितना एरोगेंट बनना है बन सकते हो। उसका बंदा वहाँ पे आता बोलता है मास्टर सिक्स तो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट है, ट्रूली आप मार्शल आर्ट के वर्ल्ड के पूरी बहुत ही पावरफुल बंदे, आपने तो पूरी की पूरी लू फैमिली की इज्जत बचा ली, आपका इतना पावरफुल
वाव इतना पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट कि पूरा पूरा स्ट्रीट में डिस्ट्रक्शन मच गया। बोलते बोलते आज मैंने दो ऐसे गद्दारों को मारा जिन्होंने जिन्होंने मो फैमिली का जो अड्डा था वहाँ पे से हमारे हाथों से बच के निकल गए थे। अब जो भी लोग यहाँ पे लिंगयांग सिटी में मौजूद है वो लोग मेरे इस काम को समझ पाएंगे कि मैंने इन दोनों को क्यों मारा, तो वो लोग मेरा साथ जरूर देंगे। यू जो होता है वहाँ पे देखा मरता नहीं और उसके पीछे घर के ऊपर रूप के ऊपर चढ़ के खड़ा होता है और उसको बोलते ये तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था, फॉर्चुनेटली हम लोग यहाँ से बच गए हैं। यू बोलते बाय द वे तुमने कहा था आफ्टर लाइफ मतलब अंडरवर्ल्ड में जाने के बाद कुछ होता है, चलो ठीक है तुम इसको टेस्ट कर लो। तुम ये जानना चाहते थे ना कि अंडरवर्ल्ड में क्या होता है, साथ ही अपनी एनर्जी को रिलीज करते और अपनी एनर्जी वाले जो सोर्ड होता है फैटिक स्प्रिट उसको रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। वह बोलता है नहीं ये अच्छा नहीं हो रहा। ये बोलता है चलो ठीक है मैं तुम्हें आंसर देता हूँ कि असली फैटिक स्प्रिट क्या होता है। साथ ही वो जंप करते हुए अपनी एनर्जी को सामने की तरफ फेंक देता है और जो बुढ़ा बंदा होता है वो भी अपनी एनर्जी को सामने की तरफ फेंक देता है। वहाँ पर दिखाते हैं उसका एनर्जी का जो स्प्रिट होता है वो काफ़ी छोटा होता है और यू का जो फाइटिंग स्प्रिट होता है एक बहुत बड़ा ड्रैगन होता है और उसके जो छोटे से ड्रैगन होता है उसको खा जाता है। उसको खाने के बाद जो यू का स्प्रिट होता है सीधा सीधा नीचे जाता है और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। उस धमाके के बाद वहाँ पर दिखाते हैं यू जो होता है वहाँ पर उस बुढ़े के पास उतर जाता है और पीछे से सू बोलती है क्या वो मर गया, क्या वो मर गया। ये बोलता है नहीं मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा वाटर फेंक दिया था जब ये मर रहा था इसलिए मैंने इसकी लाइफ बचा ली, पर मैंने इसके जो भी पूरे पूरे बॉडी में पावर का फ्लो था मेरेडियन था उन सबको काट दिया। अब ये कभी भी अपनी पूरी लाइफ में मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन सकता। साथ ही यू जो था उसके सर को चेक करते हुए बोलता है कि इसके जो बॉडी में थोड़ा सा भी जिंदगी नहीं बचा, लाइफ नहीं बचा, ये मर चुका। लेकिन एक बार क्या बोलता है नहीं नहीं ये मर चुका है पर मैंने इसको मारा नहीं चाहा था। वहाँ पे दिखा दे थोड़ी देर बाद मिस लू के पास उसके अंकल भागते हुए आते हैं, बोलते कि लू ये अच्छा बात नहीं है, कुछ ना कुछ यहाँ पे हमारे लू फैमिली के साथ हो रहा है। लू जो थे अपने अंकल से पूछते अंकल आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके अंकल वहाँ पे आते बोलते कि मैंने एक लाइट देखा था उस जगह से जहाँ पे तुम्हारे फादर मौजूद थे वहाँ से आ रहे थे, इसलिए मैंने अपना जो थंडर क्रो बीस्ट था उसको समन किया ताकि मैं इन्वेस्टिगेट कर सकूं। अब मैंने एक लड़के को देखा एक ब्लू स्वॉर्ड वाले लड़के के साथ और वो दोनों यहाँ पे हमारे लू मेंशन में तबाही मचा रहे थे। वो लड़की बोलती क्या है वो दोनों यहाँ पे आ गए। उसके अंकल आगे बताते कि उस बंदे ने तुम्हारे डैड को एक सिंगल अटैक में हरा दिया और उसके बाद जो भी मैनेजर था परसुइंग मर्डर हॉर का गुड आओ उसने अपनी पूरी की पूरी आर्मी लेकर यहाँ पे पूरे के पूरे लू मेंशन को चारों तरफ से घेर लिया और लू फैमिली से जितने भी बंदे बिलोंग करते हैं उन सबको अरेस्ट कर रहा है। और जो परसुइंग मर्डर हॉल है उन्होंने अगर एक बार तुम्हारे फादर को पकड़ लिया तो मुझे नहीं लगता कि लू फैमिली का कोई भी बंदा बच पाएगा। वो मिस लू काफ़ी गुस्सा हो जाती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता, मेरे फादर को कोई कैसे पकड़ सकता, यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होगी चल रही होगी, मुझे जल्दी जल्दी जाकर उन सबसे बात करना होगा। लेकिन उसके अंकल उसको रोक देते बोलते रुक जा तुम वहाँ पे नहीं जा सकते, तुम्हारे फादर ने तुम्हें एक पिक्चर दिया था। क्या मैंने सही बोला, बोलते कि यहाँ पे आने से पहले मेरे फादर ने मुझे एक पिक्चर दिया था। बोलते चलो ठीक है तुम जाओ सबसे पहले और जिंगटियांग लिंग जाओ जो है उस लीडर को ढूंढो और वही तुम्हारे फादर को बचा सकता है। बोलते कि जिंगटियांग लिंग जाओ, लेकिन मेरे फादर के अरेस्ट होने और लिंगटियांग जिंगटाओ का इन सबसे क्या मसला है। बोलते हैं तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत है, तुम इस साइड जाओ मैं उस साइड जाके जितने भी सोल्जर उन सबका दिमाग जो ध्यान है अपने साइड कर लेता और तुम बच के भाग जाना। वहाँ पर खड़ी तो बोलती ठीक है अंकल लू, साथ वहाँ पे घोड़े पे बैठ के वो भाग जाती बोलती मैं डेफिनेटली वापस आऊँगी अपना बदला लेने इंसाफ लेने, आप मेरा वेट करना अंकल लू, मैं आप मेरा वेट करना लू फैमिली के मेंबर्स। और साथ ही साथ ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता तो नेक्स्ट एपिसोड जल्द रिलीज होगा तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।